तो इस हफ्ते भी मार्केट जो है वो काफी अच्छे वॉलेटाइल रहे हैं, और इस वीडियो में हम आज स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स में दिख रहे हैं। अगर निफ्टी में हम देखेंगे कि जिस दिन से यहाँ पर मार्केट जो है वो फॉल करना स्टार्ट हुई थी उसके हाई से यहाँ पर अभी तक के लो के हिसाब से अगर हम इस ट्रेंड को यहाँ पर मेजर करते हैं तो अभी के लेवल्स जो है वो यहाँ पर 0.38% के आसपास यहाँ पर चल रहे है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर ला ओपला आरजी लिमिटेड आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छे चैनल पैटर्न के बाद अभी यहाँ पर हायर हाई स्ट्रक्चर में चल रहा है और इसने काफी अच्छी यहाँ पर मोमेंटम दी है हाल ही में। तो ये भी यहाँ पर काफी अच्छे स्ट्रक्चर में होने के कारण इसमें भी आपको काफी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले समय में। अगर आप रिट्रेसमेंट में बाय करना चाहे तब भी आप यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर बीएससी लिमिटेड आता है। तो बीएससी में आप देख सकते हैं कि बीएससी जो है वो काफी अच्छे यहाँ पर स्ट्रक्चर के बाद अभी यहाँ पर अपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो ये भी काफी अच्छे कंटिन्यूएशन पैटर्न में चल रहा है, यहाँ पर भी आप स्विंग ट्रेडिंग करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर गैलेक्सो आता है। गैलेक्सो हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में भी दिया था जो कि यहाँ पर काफी बड़े स्ट्रक्चर में अभी चल रहा है। अगर गैलेक्सो में मार्केट जो है वो यहाँ पर एक अपर की तरफ मोमेंटम करके इसे यहाँ पर डिमांड जो है वो यहाँ पर फिर से टेस्ट करता है तो ये काफी अच्छा मोमेंटम कर सकता है। उस वक्त आप यहाँ पर काफी अच्छी क्वांटिटी बाय करके इसे होल्ड कर सकते हैं और ये ब्रेकआउट काफी अच्छा रहेगा। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर वेलकॉप आता है। ये भी हमने यहाँ पर पिछले वीक में यहाँ पर इसके बारे में बात की थी। उस वक्त इसका स्ट्रक्चर जो था यहाँ पर कप एंड हैंडल के ऊपर यहाँ पर प्राइस जो है वो चल रही थी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर इसने यहाँ पर एक पुल बैक लिया है और यहाँ पर आज इसने काफी अच्छी क्लोजिंग की है। तो ये भी काफी अच्छे मोमेंटम में जा सकता है। 200 का जो लेवल है वो राउंड लेवल है, इसके ऊपर यहाँ पर प्राइस जो है वो सस्टेन होती है तो ये काफी अच्छा मोमेंटम कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप 200 के लेवल तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर HFCL आता है। प्राइस यहाँ पर काफी अच्छे एक अप ट्रेंड के बाद अभी एक काफी अच्छे एक स्ट्रक्चर में चल रही है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये भी एक काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर में अभी चल रहा है और इसने भी काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है तो ये भी काफी अच्छा मोमेंटम कर सकता है फ्यूचर में। तो इसे भी हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखेंगे। इसके बाद की अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर ऑरोबिंदो फार्मा आता है। तो ऑरोबिंदो फार्मा में आप देख सकते हैं कि प्राइस काफी अच्छे एक मोमेंटम के बाद अभी यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम कर रही है और यहाँ पर एक चैनल फॉर्मेशन के बाद अभी इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये स्टॉक भी यहाँ पर आप मीडियम टर्म के लिए रख सकते हैं, 4 से 5 महीने या फिर इससे ज्यादा यहाँ पर इसे होल्ड करने के लिए रख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर बजाज ऑटो आता है। बजाज ऑटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है वो काफी अच्छे एक फॉल के बाद अभी यहाँ पर काफी अच्छे एक लेवल्स के पास अभी ट्रेड कर रही है। अगर हम इन लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम्स दिखाने वाले प्राइसेस है, यानी कि ये जो प्राइसेस है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड की गई यहाँ पर प्राइसेस है। अगर प्राइस यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास आती है तब आप यहाँ पर काफी अच्छा अक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ऐड करके आप यहाँ पर इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन करती है और एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देती है तो ये काफी अच्छा आपको यहाँ पर रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। तो ये भी मीडियम टर्म के लिए रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी स्विंग ट्रेडिंग वाली सीरीज नहीं देखी है तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।